कन्नौज के तिरवा में सेंध लगाकर छत के रास्ते दुकान में घुसे चोरों ने लाखों की कीमत के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में दिखने के बाद भी पुलिस घंटों चोरी से अनजान बनी रही। पुलिस के लापरवाह रवैये से कन्नौज के सराफा व्यापारी आक्रोशित हैं। पुलिसिया चौकसी को धता बताते हुए कन्नौज के तिरवा में चोरों ने सराफा की दुकान को निशाना बनाया और चोर यहां के सराफा व्यापारी रवि की दुकान में छत में सेंध लगाकर घुसे। दुकान में रखा नगदी और जेवर सहित लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पुलिस प्रशासन के अंदर क्या तालमेल का अभाव है या इनका कंट्रोल नहीं है। इनको घटना की मालूम है, तिरवा सदर में भी चौराहे पर घटना होती जहां पुलिस की पिकेट 24 घंटे उपलब्ध रहती और इसके बावजूद भी घटनाएं होती हैं। दूसरी जो सबसे दुखद बात ये रही, इंस्पेक्टर का कहना ये था कि भाई अब आपको जो पता हो और हम लोगों को इसके बारे में पता करके बताइए। जब हमने वीडियो फुटेज सौंप दिए, चोरों का चेहरा सौंप दिया, तो क्या गिरफ्तारी के लिए भी व्यापारी ही जाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस के जाने के बाद जब व्यापारी तिरवा कोतवाली पहुंचे तो वहां मौजूद कोतवाल ने चोरी की जानकारी होने से इनकार कर दिया। पुलिस के रवैये से आक्रोशित सराफा व्यापारियों का कहना है कि अगर दो दिन में चोर हिरासत में नहीं लिए गए तो पुलिस के खिलाफ व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी रेपुटेशन संभालनी चाहिए, ऐसा न हो कि चोर उनकी पतलून भी चुरा कर ले जाए। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।